नाम डॉक्टर विभा परवार, महोबा यूपी से हूँ। यूपी से? हाँ। आपकी क्या मांग है कि आप दिल्ली की राजधानी, भारत की राजधानी जंतर मंतर पर आके, राजघाट पर आके यहाँ धरना प्रदर्शन कर रही है? नहीं, हम लोगों का कोई इस तरह का नहीं था। हम लोगों के NCISM की जो बिल पास हुआ है, उसमें जो इंटीग्रेटेड मेडिसिन जो हम लोग इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे थे, उस पर जो रोक लगाई जा रही है, उसके विरोध में है। मैडम कह रही हैं कि जो हम दवाइयाँ इस्तेमाल करते थे या मेडिसिन इस्तेमाल करते थे, ये गवर्नमेंट उस पर बैन लगा रही है, तो आपका क्या मानना है? हमारा मानना ऐसा नहीं है कि हमें अपनी लिमिट और अपने अधिकारों का पता है कि हम किस हद तक हमको वो यूज़ करनी चाहिए, किस हद तक हमने पढ़ा है, उससे आगे हम यूज़ अभी भी नहीं करते हैं। जितना तक हमने पढ़ा है, जितना तक सीखा है, उसी को कर रहे हैं। और मेरा तो ये मानना है कि ये सिस्टम ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम एक ही जगह पे दोनों तरीके से पेशेंट को सुविधाएं दे सकते हैं। और अगर कोई पेशेंट को एलोपैथी से उसको किसी को साइड इफ़ेक्ट आता है, तो हम साथ साथ आयुर्वेद से उसको ठीक कर सकते हैं। और साथ साथ किसी पेशेंट को आयुर्वेद से कुछ असर नहीं होता है, तो हम इमरजेंसी में वो वाली ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अब जितने रिमोट एरियाज़ हैं, गांव हैं दूर दराज के या बस्तियां हैं, वहाँ पे ये बड़े बड़े 40s और इस तरह के डॉक्टर्स तो नहीं इलाज करने जाएंगे, तो पेशेंट को कौन डायग्नोज करता है? अगर किसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई, किसी महिला को गांव में ट्यूब में बच्चा चलेगा, कौन बताएगा कि आपको कहाँ जाना चाहिए? वो हम लोग बताते हैं ना, चाहे से ऑपरेशन वही लोग करते हैं, लेकिन बताते तो हम हैं, उसके जीवन को तो हम ही बचाते हैं। तो ये सब हम अनपढ़ नहीं है, सब कुछ पढ़कर आए हैं और हमें पढ़ाया भी गया है। किसी के अपेंडिक्स है तो कौन बताएगा तुझे कहाँ जाना चाहिए? कौन? क्या गवर्नमेंट के पास गांव में उस तरह के डॉक्टर हैं जो बताएंगे कहाँ जाएंगे आप? मैडम क्या जो अभी आपने जो एग्जाम्पल दिए हैं, क्या वो जो डॉक्टर हैं उनसे आप अपने आप को कम समझते हैं? हम कम नहीं समझते, क्योंकि हम ये जान जाते हैं। हम उसको देख के अगर जान गए कि इसको एक ये प्रॉब्लम है, ये परेशानी है, तो हम अपने आप को कम नहीं समझते हैं। इसका मतलब हाँ, वो हमें हमारी जो गवर्नमेंट का आंकलन कम है, क्योंकि हमारा अभी तक इस तरह का आज तक कोई हुआ नहीं था। और अब हम यही बताने आए हैं कि हमें कम नहीं समझना चाहिए, हमें बिल्कुल भी कम नहीं आंकना चाहिए। शायद हम उनसे ज़्यादा बेहतर हैं, क्योंकि हम दोनों तरह से चिकित्सा कर सकते हैं। आपने डॉक्टर क्या नाम बताया? मैं डॉक्टर सुमन गौतम, यमुनानगर से। सुमन गौतम जी, वो एक प्रचलन चला आया है कि अगर माइनर ऑपरेशन है तो उसे MS ही करेगा और BMS या BMS नहीं करेगा। उसके लिए हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारी नॉलेज तो बंधी हुई नहीं है। हम पढ़कर तो आए हैं, लेकिन हमारे अधिकार गवर्नमेंट ने अभी तक हमको नहीं दिए हैं कि हम उसको कर सकें। हम सरकार से इतना तो चाहेंगे कम से कम जो हम कर रहे हैं उसको तो कम से कम ना छेड़े। और सरकार अगर इससे अच्छा हमारे लिए कुछ बेहतर इंतजाम कर सकती है, तो वो तो सरकार की बहुत 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 धन्यवाद रहेगा। हमारे लिए खाली नहीं, हमारे लिए नहीं, देश की उस जनता के लिए जहाँ बड़े डॉक्टर नहीं पहुंच सकते। अगर इंतजाम नहीं करते हैं तो फिर आपकी अगली जो रणनीति होगी वो क्या होगी? हम इस प्रकार की कोई रणनीति नहीं है। हम फिर भी बुद्धिजीवी हैं, अपने आप को मानते हैं और हम बुद्धि से चलना चाहेंगे। हम सरकार से बार बार वही आंकड़े प्रस्तुत करेंगे जो सरकार को इकट्ठे करने में काफ़ी ब्यूरोक्रेट्स और उनको लगाना पड़ता है। हम खुद वो आंकड़े पेश कर रहे हैं। वी आर एग्जाम्पल्स कि इतने लोग अगर आए हैं तो एक डॉक्टर के पीछे कितने हजार लोग हैं। आप लोग उसका अनुमान लगा सकते हैं कि भाई इतने हजार लोग एक डॉक्टर के पीछे हैं, तो वो कितना परेशान होंगे अगर इस सिस्टम को छेड़ा गया। तो आप सरकार को चुनौती दे रही हैं कि नहीं, एक डॉक्टर के पास में कि एक अकेले ही नहीं है, उनके साथ गलत नहीं लीजिएगा। हमारे कहने का मतलब है अगर एक डॉक्टर मिनिमम 1000 पेशेंट ठीक करेगा तो वो पेशेंट परेशान होंगे ना, तो वो सारी भीड़ आपके जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसको परेशान कर सकती है ना, सफर करेंगे। हमको हमारी कोई रणनीति नहीं है, जिस कोई रणनीति नहीं है। जिस तरह से ये हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो पेशेंट को कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है। 20% पेशेंट को वो भी कोई अप्रोच लेके जाता है तब उसको फैसिलिटी मिलती है। एक आम गरीब आदमी को बिल्कुल हॉस्पिटल फैसिलिटी वो वहाँ पे हॉस्पिटल में डायग्नोज भी नहीं मिलता उसको, ट्रीटमेंट तो दूर की बात है। पेशेंट आप काफ़ी समय से प्रैक्टिस कर रही हैं और एकदम ये आपके साथ में एक बाउंडेशन लगा दी, एक दीवार खींच दी, तो आपको कैसा महसूस होगा? नहीं, महसूस बहुत अलग हो रहा है, बहुत बुरा भी महसूस हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि इस पेशेंट का एबॉर्शन हो चुका है, सिर्फ अब इसको मेडिकेशन की ज़रूरत है कि भी कोई पीस तो नहीं रह गया है, लेकिन हम उसको नहीं, हम उसको रेफ़र करते हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफ़र करेंगे या सिविल में करेंगे। सिविल के पास टाइम नहीं है, भगाते हैं, डरते हैं कि भाई अगर ये पेशेंट यहाँ ब्लीड कर रहा है तो पुलिस आ जाएगी, पुलिस कहेगी तुम इसका एबॉर्शन कर रहे थे, जबकि वो कोई मतलब अपने आप सेल्फ ब्लीड हो रहा है पेशेंट, लेकिन हमारे बंधे हुए हाथ हैं कि उसको भगाने की करते हैं कि तुम भागो यहाँ से। एक्चुअली जो हमारा सिलेबस है BAMS, इसमें बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन और सर्जरी का है, इसके अंदर हमें दोनों पैथी हमें सिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, आयुर्वेदिक भी और एलोपैथ भी, और वही कोर्स हमने किया है और वही हम पैथी अपनाते आ रहे हैं। अभी तक हमें 30 साल हो गए हैं करते करते ये काम, और आगे अब एकदम से इन्होंने बाउंडेशन लगा दी कि तुम एलोपैथ यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ आयुर्वेद कर सकते हो, तो इसमें क्यों बाउंडेशन लगाई हमें नहीं पता। अगर हमें शुरू से अगर हमें ये पता होता कि हमारे साथ ये बाउंडेशन है, हम एलोपैथ यूज़ नहीं कर सकते, हम एडमिशन ही ना लेते। BMS में क्यों लेते हैं हम एडमिशन? हम 6 साल का कोर्स है, 6 साल का कोर्स करने के बाद हमें आज की डेट में ये मतलब कोई सलूशन नहीं है इस चीज़ का। आगे से सिलेबस चेंज कर दो, डिग्री का नाम चेंज करो, आने वाली जनरेशन इसमें एडमिशन ना ले या ये बंद ही कर दो, लेकिन जो कर चुके हैं उन्हें तो काम करने दिया जाए ना। अब आज की डेट में हम क्या सड़क पे आएंगे, क्या करेंगे?